हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, दिन की शुरुआत एक बेहतरीन नाश्ते के साथ हो जाए तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो सोचिए कि जिस तरह से हमें खुश करने के लिए या अपने आप को हम खुश करने के लिए बेहतरीन अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम स्किन को भी सुबह सुबह कुछ अच्छा न्यूट्रिशियस दे दें, कुछ ऐसा दे दें जिससे कि हमारी स्किन दिन भर चहकती रहे, ग्लोइंग रहे, सो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो अपने आप ही ग्लो करने लगेगी। आपकी स्किन में जितने भी रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, ओपन पोर्स हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, टैनिंग है, सनबर्न है, डार्क सर्कल्स हैं, ये सारे के सारे अपने आप हट जाएंगे एंड धीरे धीरे आपकी स्किन जो है वो फील गुड फैक्टर फील करना शुरू कर देगी। सो आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं घर में ही बनने वाले एक ऐसे रेमेडी के बारे में जिसे अगर आप सुबह सुबह रोज अपने नहाने से पहले 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, जैसा जनरली अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं करता हूं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग, बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाने वाली है। सो क्या है ये नुस्खा, चलिए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपनी स्किन को रिजुविनेट करने की, तो दो चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये, पहली चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी चीज आप अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप DIY कर रहे हैं या वो नेचुरल कोई तरीका है या वो आप कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी जरूर रखें। मतलब कि उसे लगातार कम से कम 3 महीने 6 महीने यूज करें, तभी आपकी स्किन उसके लिए अच्छा या बुरा रिएक्शन देने वाली है। क्योंकि अगर आपने उसको 2 दिन किया 3 दिन किया चौथे दिन छोड़ दिया तो स्किन रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, और जब स्किन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए कोई चीज काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। नंबर 2, जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके अंदर आप ट्रस्ट ऐड कीजिए, क्योंकि जब तक आपके रेमेडी के अंदर या आपके मेडिसिन के अंदर आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो वो चीजें इफेक्टिव नहीं होने वाली हैं। सो ये दो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको रूटीन में जरूर फॉलो करना है, अपने जो भी आप स्किन केयर रूटीन यूज कर रहे हैं उसके साथ में। अब देखते हैं इसे बनाना कैसे। सो इसे बनाने के लिए हमें सब 4 चीजें चाहिए। पहली जो चीज चाहिए दोस्तों, वो चाहिए दही। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा रिजुविनेटेड नजर आती है, बहुत ज्यादा रिवाइटलाइज्ड होती है और हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे अपना जो ग्लो है वो इन्हांस करना शुरू कर देती है। सो हमें रोज सुबह सुबह 1 चम्मच दही यहां पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज जो हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जो है वो स्पेसिफिकली स्किन को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए बनाई जाती है या बनाई हुई है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में कलर नहीं आता। तो वो लोग जिनको हल्दी से एलर्जी होती है, वो लोग जिनको हल्दी से कालापन आ जाता है स्किन में, वो कस्तूरी हल्दी के साथ नहीं होगा। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है, वो लगभग 1/2 चम्मच हमें बेसन ऐड करना है। बेसन के अंदर एक बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के अंदर जितने भी डेड सेल्स चिपके हुए हैं उनको बहुत तेजी से बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे रिजुविनेट करने लगती है, ऊपर से डेड सेल्स हटने लगते हैं और नीचे से जो फ्रेश लेयर होती है हमारे डेड सेल्स की वो बाहर आकर के हमारी स्किन को हेल्दी दिखाना शुरू कर देती है। नंबर 4 और जो नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए मुलैठी पाउडर। मुलैठी बहुत ही प्रूवन एक इंग्रेडिएंट है आयुर्वेद में, जो कि स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है। सो मुलैठी आपको यहां पर जरूर ट्राई करनी है। मुलैठी जो है वो आपकी स्किन को फेयरनेस देती है, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन जो है उसको कम करती है, टैनिंग, सनबर्न, डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स और एजिंग, इस सारे के सारे सिम्टम्स को आपकी जो मुलैठी है वो खत्म करने का काम करती है। हमें यहाँ पर 1/2 चम्मच मुलैठी भी ऐड करना है। सो हमने लिया है 1 चम्मच दही, 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी, 1/2 चम्मच बेसन और 1/2 चम्मच मुलैठी पाउडर। इन 4 चीज़ों को अच्छे से मिलाइए लीजिए। अब आपका प्री बाथ फेस पैक बन करके तैयार है। आप इसे अपने चेहरे पर लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 से 15 मिनट के बाद आप चले जाइए नहाने। अच्छे से अपने फेस को रब करते हुए आप वॉश कीजिए, इस पैक को निकालिए और आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत अंदर से ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, और जब बाथरूम से निकलेंगे और मिरर में सामने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन की जो रंगत है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है।
बहुत बार ये सवाल आएगा कि क्या सर हम इसे सुबह ही कर सकते हैं। देखिए सुबह सुबह थोड़ा सा हमारे पास हालांकि टाइम नहीं होता है, लेकिन सुबह सुबह जब हम इसे करते हैं तो ये पहला फूड होता है हमारी स्किन के लिए जिससे हमारी स्किन रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। अब दिन में करेंगे तो आपने सुबह कुछ लगाया होगा, स्किन पहले उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद इस DIY को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो सुबह सुबह अगर आप इसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल आता है, सर कौन सी एज ग्रुप से हम स्टार्ट कर सकते हैं? सो आप इसे 5 साल के बच्चे से लेकर के कितनी भी एज ग्रुप के जो बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में है वो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 सवाल आता है, क्या सर हम इसे बना के रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इन्हें बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप इसे बना के रखेंगे कुछ दिनों के लिए तो इसके अंदर जो दही है वो फर्मेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बदबू आने लगेगी एंड आप इसे इजीली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए नहाने से पहले एंड पाइए एक गोरी, बेदाग और निखरी हुई त्वचा, जिससे वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी 4 चांद लगेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को हिट कर दें, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।